बॉलीवुड के एक्शन किंग और यारों के यार सनी देओल हमेशा अपनी जुबान और दोस्ती के लिए मशहूर है। बॉलीवुड में हमेशा से देखा गया है कि बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में सनी देओल के करीबी जब भी सनी देओल से मदद मांगते हैं तो वो दिल खोलकर उनकी मदद करते हैं, चाहे उसमें उनका नुकसान भी क्यों ना हो जाए। ऐसे वाक्य सनी देओल के साथ कई बार हो चुके हैं जिनमें उन्हें करोड़ों का नुकसान झेलना पड़ा है। ऐसे ही एक वाक्य के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं जो सनी देओल के सामने आया और सनी देओल ने बिना झिझक और बिना सोचे समझे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के एक मशहूर स्टार की मदद की और अपने आप को लाखों और करोड़ों का घाटा भी करवा बैठे। दरअसल पूरा माजरा क्या है, आइए हम आपको बताते हैं इस वीडियो के माध्यम से। सनी देओल स्टारर्ड फिल्म घायल फन अगेन और सलमान खान की फिल्म प्रेम रतन धन पायो 13 नवंबर को एक साथ सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली थी। दोनों ही सुपरस्टार अपनी अपनी फिल्मों को प्रमोट करने में लगे हुए थे, जहां एक और सलमान खान लगातार सुपर डुपर हिट फिल्में बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को देते हुए नजर आ रहे थे, वहीं लंबे समय के बाद बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में दोबारा कदम रखने वाले सनी देओल भी अपनी फिल्म घायल के सीक्वल के साथ दर्शकों का दिल जीतने के लिए बेकरार थे। ऐसे में दोनों ही फिल्मों की जोरदार टक्कर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर देखी जा सकती थी, जिसके बाद फिल्म के डायरेक्टर सुनील खुद सामने आकर बताते हैं कि सनी देओल की फिल्म को 13 नवंबर से आगे बढ़ाकर जनवरी सन 2016 कर दिया गया है। ऐसे में इस फिल्म को लेकर सूत्र बताते हैं कि सलमान खान ने सनी देओल से गुजारिश की थी कि वो अपनी फिल्म को जनवरी में रिलीज करें, जिसे लेकर सनी देओल मान भी गए थे और सनी देओल ने ऐसा ही किया। हालांकि सनी देओल और सलमान खान की फिल्म अगर एक साथ रिलीज होती तो कुछ ना कुछ फर्क सलमान खान की फिल्म को पड़ता और वो सुपरहिट ना हो पाती। इसी कारण सनी देओल की फिल्म को सलमान खान ने पोस्टपोन करवा दिया। सनी देओल की दरिया दिली को लेकर आपकी क्या राय है, लिखना ना भूले हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन के माध्यम से। अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और शेयर करें हमारी वीडियो को और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद दोस्तों।